हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एंड्रॉइड गेमर पर। चल मेरे को फिर से दोस्तों, आज इस वीडियो में हम Redmi नोट 8 प्रो की गेम टेस्टिंग करने वाले हैं। डेमन PS2 एमुलेटर में गॉड ऑफ वार 2 वो 1 चलाने वाले हम। तो ये गेम टेस्ट बहुत अच्छा होने वाला है, इंटरेस्टेड होने वाला है दोस्तों। इसमें प्रोसेसर आपको फ़ोन में पता ही है आपको कौन सा है, मीडियाटेक G90T इसमें प्रोसेसर है और बहुत अच्छे प्राइस रेंज पर आ जाता है ये। तो इसकी अनबॉक्सिंग आपको देखनी है तो मेरे चैनल पर आके देख सकते हैं आप जाके, आपको डिस्कशन में भी लिंक मिल जाएगा इसका अनबॉक्सिंग का, तो आप जाके देख सकते हैं। गॉड ऑफ वार 1 चलाने वाले हैं दोस्तों हम, और मेरे पास मैक्स पेन भी है। अगर आपको उसकी गेम प्ले देखना है तो कमेंट में लिख सकते हैं आप, मैं आपको गेम प्ले जरूर बना के दूंगा। तो दोस्तों यहाँ से गेम स्टार्ट होती है और गेम के आप FPS देख सकते हैं। इसमें FPS मेरे ख्याल से लास्ट एकदम मैं करेक्ट बताऊं तो 45 या 50 भी पहुंच जाते हैं कभी कभी, 45 से और नीचे के हैं 32 तक पहुंच जाते हैं, बस उससे नीचे नहीं जाते। तो ये है इसका एवरेज। अब आपको आगे गेम प्ले देख सकते हैं आप, आराम से आप गेम प्ले देखिए। After 10 years of suffering, 10 years of endless nightmares, it would finally come to an end. Death would be his escape from madness. But it had not always been this way. Kratos had once been a champion of the gods. Oh, beast! I will send you back to the depths of Hades! तो गेम अब स्टार्ट हो चुकी है और देख सकते हैं आप कितने FPS आ रहे हैं इसके, 40 FPS आ रहे हैं और अभी थोड़ी देर में 30 पे पहुंच गए, 38 पे, 39 पे, 40 और 39 के बीच में गेम नहीं है, 42 पे पहुंची है दोस्तों। ऐसी बढ़ते रहिए, आप देख सकते हैं गेम प्ले में आराम से। Yeah.
तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट विलन आ चुका है, थोड़ी गेम स्लो हो गई है, 32 FPS पे पहुँच गई है, इसके फ्रेम ड्रॉप हो गए हैं यहाँ पर, कम से कम नौ हुए हैं दोस्तों फ्रेम ड्रॉप, तो ये अच्छी बात नहीं है यहाँ पर। और फ़ोन हीट तो ज़्यादा बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा हीट हो गया है, फ़ोन में हीटिंग इशू बोलते हैं, लेकिन इतनी हीटिंग इशू नहीं है मेरे ख्याल से, मेरे पोको वन भी इतना हीट हो जाता है, उसमें भी लिक्विड कूलिंग है और इसमें भी लिक्विड कूलिंग है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे इसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबा लेना, और आपको कोई गेम प्ले सूझा हो तो बताना कमेंट में, ठीक है।